What's going on guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to the video. और guys आज अपन लोग दोबारा से खेल रहे हैं Roblox. और Roblox के अंदर guys आज होगा एक नया चैलेंज. और guys इसमें देखो चॉप जो है थोड़ा सा लंबू हो गया है. इग्नोर करना उसको, ठीक है? छोटू भाई यार रात में उल्टा डायरेक्शन में सो गया था guys, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है. अरे दोस्त कोई बात नहीं, ये बेचारा हम लोगों से यार बड़ा होना चाहता था लेकिन कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया. तो guys आज ना हम लोग यार इसमें स्वॉर्ड्स बना करके उससे अटैक करने वाले, ठीक है? इस गेम में यही करना है. और आप लोग देख सकते हो हमारे पास अटैक करने के लिए स्वॉर्ड्स दी गई हवा में, और इनका इस्तेमाल करके अपन लोग चीजों पे अटैक कर सकते हैं. ये देखो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ ना तो ये देख रहे हो मतलब हवा में उड़ने लगती है यार ये स्वॉर्ड. तो गाइज ये काइंड ऑफ जादूगरी है आई नो, बट स्टिल आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर गाइज यही पावर है इन स्वॉर्ड्स की. और हम लोगों को यहाँ पे ट्रेनिंग करके अपनी नंबर ऑफ स्वॉर्ड्स को इंक्रीज करना है और मैजिकल स्पेल्स अनलॉक करने. गाइज जी हाँ, इसमें आप मैजिक वैजिक भी कर सकते हो भाई, तो मजा आने वाला है. गाइज आज की वीडियो में पहले ही बोल दे रहा हूँ लाइक कर दो, क्योंकि आज हम लोग करेंगे कुछ ऐसा कि आप लोगों ने सोचा नहीं होगा. वैसा गाइज बहुत आगे जाना है भाई अभी इस ग्राउंड के अंदर, और आई डोंट नो कितना समय लगने वाला है. देख के तो लगता है भाई ये बहुत लंबा चलेगा. गाइज से प्लीज मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब टू चैनल, लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके तो गाइज अभी ना हम लोगों का पहला टारगेट है यहाँ पर 60 जेम्स कलेक्ट करना है, ठीक है? हम लोगों को 60 स्पिरिट जेम्स कलेक्ट करने के, और यहाँ पर हम लोगों ने अभी सिर्फ और सिर्फ 20 जेम्स कलेक्ट किए हैं. लेकिन डोंट वरी गाइज, जैसे हम लोगों के पास 60 स्पिरिट जेम्स हो जाएंगे अपन लोग यहाँ पर नया एग खोल करके एक नई तलवार अनलॉक कर पाएंगे, और उस तलवार से क्या होगा कि हम लोग ज्यादा डैमेज कर पाएंगे दोस्तों. तो मेरे को यहाँ पर दो थोड़ा सा टाइम, मैं यहाँ पे फटाफट से जेम्स कलेक्ट करता हूँ और उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ. ऑलराइट सो गाइस हम लोगों ने यहाँ पर जेम्स कलेक्ट कर लिए, नाउ इट्स टाइम टू ओपन सम एग्स. और इसके अंदर क्या मिलेगा? एंड ओके फ्रिजिड किंग स्लाइसर, भाई बहुत खतरनाक तलवार ये. बट फाइनली अब हमारे पास दो तलवारें हो चुकी है और अब हम लोग मिशन एक्सेप्ट कर सकते हैं. तो गाइस ये मिशन बोर्ड है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बाउंटी है, ये बाउंटीज मतलब मिशन ही समझ लो आप लोग. और अपने को ना 5 आयरन पिलर्स डिस्ट्रॉय करने, ठीक है? तो यहाँ पर डायमंड पिलर दिखाई दे रहा है, गोल्ड पिलर है दिखाई दे रहा है मेरे को, ये रहा आयरन पिलर, ठीक है? तो अपने को ये 5 डिस्ट्रॉय करने, ये हमारा अभी का मिशन है गाइज. और एक बार अपन लोग ये 5 पिलर्स डिस्ट्रॉय कर लेंगे तो हम लोगों को प्राइज मिलेगा जो मिशन कंप्लीट करने में मिलता है, और तो और अपन लोग अपग्रेड भी करेंगे. तो चलो गाइज फटाफट से मैं इस मिशन को भी कंप्लीट करता हूँ और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं. ऑलराइट गाइज, तो ये वाला जो मिशन था ये भी अपने कंप्लीट कर लिया है, और अब हम लोगों को यहाँ पे बोला गया ओपन 3 स्टोन फ्रेगमेंट्स. तो फ्रेगमेंट बोले तो यही अंडा भाई, और अपने को इतना यहाँ पे जेम्स दे भी दिया गया कि हम लोग आराम से खोल सके. और पहले वाले से हम लोगों को मिला है फ्रिजिड किंग स्लाइसर. ओके तो गाइज अभी मेरे पास करेंटली 230 स्पिरिट जेम्स रिमेनिंग है. तो अपन लोग सोच रहे थोड़ा और ओपनिंग कर लेते क्योंकि हम लोग का मिशन ही यही है भाई, क्रेट खोलो, ठीक है? तो चलो आओ गाइज देखते यहाँ पे क्या मिलता है. कम ऑन वी कैन डू दिस. एंड ओ भाई क्या मिल गया हमें, आइसिकल हैमर. ये तो लगता है गाइज रेयर था. ऑलराइट कुछ अच्छा मिल जा. कम ऑन ओ भाई एपिक चीज मिल गई यार, यू गेट आई शवल. भाई आई शवल मिल गया गाइज, उसको देख के उसकी चमक को देख रहे यार लग रहा था बहुत महंगी है. और ये क्या भाई एक और बार हम लोग को आइस हैमर, अरे भाई 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 देखना पड़ेगा. ओके तो गाइज आप लोग देख सकते हो इसका डैमेज 8 का है, बट जो नया वाला अपने को एपिक और रेयर वाला मिला इनका भाई 23 और 15 का डैमेज है. ओ भाई 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 रुको इन सबको इक्विप करना पड़ेगा गाइज जल्दी से, मेरे को इतना एक्साइटमेंट हो रहा है ना अभी इनको टेस्ट करने का, आप लोग को मैं बता नहीं सकता हूँ गाइज कितना पावरफुल फील कर रहा हूँ यार मैं. हम लोगों ने फाइनली एक बहुत ही हाई क्वालिटी मटेरियल अनलॉक कर लिया, वो भी अपने पहले ट्राई पे. तो लेट्स सी गाइज इनको इक्विप करने के बाद कितना डैमेज दे पाते हैं. एंड वुड यू लुक एट दिस, क्या लग रहे हो भाई तीनों हवा में उड़ते हुए आ रहे ना. इसको कहते हैं गाइज मैजिक, देख रहे हो? इस गेम में ना आपको पूरा मैजिक इस्तेमाल करना है, मतलब मैजिक ये नहीं है, ये तो मैजिक अपन लोग तलवार को उड़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. लेकिन एक और मैजिक है, उसका नाम है मैजिकल स्पेल्स, ठीक है? तो अपने को वो भी अनलॉक करना है दोस्तों, और वो अनलॉक होगा जब आप जैसे जैसे डायमंड पिलर्स को डिस्ट्रॉय करोगे ना वैसे वैसे. अभी मेरे को यहाँ पर गाइज फटाफट से ना 3-4 और पिलर्स को डिस्ट्रॉय करने दो, और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मैजिक होता क्या है. ऑलराइट तो गाइज काफी देर से अपन लोग यहाँ पे ट्राई कर रहे खोदम खादी की. ओ मेरे को मैजिक मिल गया. ओ भाई आप लोगों ने देखा अभी अपन लोग को एल्टोस करके कोई बॉम्ब मिला है, और ये मैजिक है. ये देखो भाई बूम, देखा हमला हुआ, दिखाया आप लोगों को? अरे यार बहुत छोटा इंपैक्ट है, देखो फिर से होगा गाइज, ये देखना 3-2-1 बूम, देखा गाइज. इसको कहते हैं मैजिक. आई नो कि ये बहुत ही ज्यादा एकदम छोटू सा मैजिक है, बट ट्रस्ट मी जैसे जैसे अपन लोग आगे बढ़ते जाएंगे ना हम लोग यहाँ पर मैजिक भी अपना पावरफुल बनाते जाएंगे. और गाइज ये पता है एयर वाला मैजिक है, ठीक है? इसमें 4 टाइप के मैजिक्स है, एक्चुअली 3 है जो स्टार्टिंग वाले. एक तो एयर है, उसके बाद फायर है, और उसके बाद शैडो टेक्निक है. गाइज शैडो टेक्निक सबसे ज्यादा खतरनाक है, इसमें आप फायर टोर्नेडोज बना सकते हो, साइक्लोन के टोर्नेडोज बना सकते हो, और शैडो बॉम्ब क्रिएट कर सकते हो. तो विश मी लक गाइज, मैं यहाँ पे अपनी बेस्ट कोशिश करूंगा कि हम लोग को सबसे अच्छे मैजिकल एबिलिटीज मिले. वेल फिलहाल के तो मेरे को नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए अपना रास्ता क्लियर करना पड़ेगा, और उसके लिए हम लोगों को चाहिए 5000 डायमंड्स या फिर स्पिरिट जेम्स जो भी बोलो. तो अभी फट. ओ भाई ये देखा गाइज, अभी आप लोगों ने देखा इस बंदे ने जो यूज किया, इसी को शैडो बॉम्ब कहते हैं. भाई वो पावर का लेवल देखा आप लोगों कितना ज्यादा था. डैम भाई ये लोग भाई ऑलरेडी नेक्स्ट लेवल के बंदे जो इस लेवल पे हम लोगों को नीचा दिखाने के लिए आए हैं. बट डोंट वरी गाइज, मैं अपने मिशन कंप्लीट करके आप लोगों से जल्द
निकलता हूँ और मैं और चॉप भाई धमाल मचाएंगे। चॉप तू क्या कर रहा है भाई? तो भाई मैं थोड़ा सा अंडा वंडा खोल रहा था भाई। चलो चलो बढ़िया, तुम अंडा खोलो और हम लोग यहाँ पे भाई अपग्रेड करते हैं। Alright, so guys, as you can see, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करने के बाद फाइनली हमारे पास तीन तीन मैजिकल एबिलिटीज आ चुकी है। एक नहीं तीन तीन आ चुकी है भाई। शैडो वर्ल्ड का मिल गया है, एक फायर वर्ल्ड का मिल गया है और अपन लोग को एयर वर्ल्ड का भी मिल गया है। लेकिन अभी टाइम है बैम्बू फॉरेस्ट में चलने का। हम लोगों के पास नेक्स्ट लेवल पे जाने के पैसे आ चुके हैं एंड लेट्स गो। ओके तो ये काफी ज्यादा वियर्ड है, आई गेस जंगल में आ गए भाई अपन लोग। सबसे पहले तो मेरे को यार यहाँ पर क्रेट ओपनिंग करनी चाहिए। गाइस आप लोग देख सकते हो कितने का है भाई, 500 जेम्स का है। सही है यार, चलो भाई एक तो खोल ही सकते अपन लोग। कुछ अच्छा दे दो भाई यार, क्या मिलेगा? ओ शिट, ये क्या मिल गया यार, ये तो कॉमन लग रहा है मेरे को। गाइस चलो चलो नेक्स्ट खरीदने के पैसे नहीं है। एक काम करते हैं ना, अभी अपन लोग फटाफट से गाइस यहाँ पर ना अपने जो इन वेपन्स है इनका इस्तेमाल करके इनको अटैक करते रुको। इस पे चेक करता हूं मैं। ये देखो भाई हमारी फायर एबिलिटी, सोल एबिलिटी और उसके बाद एयर एबिलिटी। एक सेकंड, ये क्या मिला भाई हमें? ओ मेरे को बॉस की मिल गई। गाइस आप लोग जानते हो बॉस की क्या है? इससे ना अपन लोग भाई बॉस को मार के जो चेस्ट निकलता है उसको यार अनलॉक कर सकते हैं। और गाइस अभी यार जितने सारे चेस्ट हमें दिखाई दे रहे हैं ये वो बॉस चेस्ट नहीं है, ठीक है? बॉस भाई एक ऐसा एनिमी है जो आपके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है? ये सारे के सारे एनिमीज भाई हमारे ऊपर अटैक नहीं करने वाले हैं दोस्तों। ये सिर्फ खड़ा होकर के भाई हमारा मुंह देखते हैं और पिटाई खाते हैं। इनको अपन लोग को डिफीट करना पड़ता है अपनी पावर से और पेशेंस से। लेकिन जो बॉस होता है दोस्तों वो आपको मारेगा तो आपकी हेल्थ भी जो है वो अच्छी खासी होनी चाहिए। अगर आपका हेल्थ नहीं हुआ तो वो आपको खा जाएगा भाई। तो इसीलिए यार हम लोगों को इन लोगों को यहाँ पे निपटने दो इनसे और अपन लोग मिलते हैं थोड़ी देर के बाद जब हमारे पास हो चुके होंगे अच्छे खासे पैसे। Alright, so guys, अभी हमारे पास अच्छे खासे पैसे हो चुके हैं। मैं बस 6000 डायमंड्स करने की कोशिश कर रहा हूँ। चुप, तू भी आ गया? तो भाई थोड़ा लेट आया लेकिन जल्दी आ गया भाई। अरे लेट आए लेकिन दुरुस्त आए दोस्त। और ये देखो भाई एकदम समय पे आए हो अब टाइम है गाइस क्रेट ओपनिंग करने का। मेरे पास इतने जेम्स हो चुके हैं कि हम लोग 10 क्रेट ओपनिंग करें। और ये क्या मिलेगा? कर्स टोमहॉक। ये सही है यार, ये मेरे को पहले मिल चुका है गाइस वैसे। चलो देखते क्या मिलेगा क्या मिलेगा। ओ भाई ये क्या मिल गया? ओबे एपिक मिल गया भाई, सर्पेंट किंग स्वॉर्ड मिल गया गाइस। व्हाट द हेक, ये पावरफुल चीज लग रही है यार मेरे को। रुको रुको इसको पहले इक्विप करने दो। ओके लो भाई 72 का डैमेज। गाइस ये क्या है भाई, 72 का डैमेज? आप लोग यकीन करोगे 72 का डैमेज भाई साहब? रुको 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 इसको तो इक्विप कर ही लिया अपन लोग ने ऑलरेडी। लेकिन मैं सोच रहा हूँ ना बाकी स्वॉर्ड्स को भी यहाँ पर फ्यूज कर देते गाइस। अरे इसका तो डैमेज ही नहीं बढ़ेगा यार, ये बहुत हाई लेवल स्वॉर्ड है यार। बाकी 4-5 स्वॉर्ड मिलाने के बाद भी इसका डैमेज नहीं बढ़ रहा, सोच रहा हूँ इतनी हाई लेवल स्वॉर्ड है यहाँ पर। मैं काम करता हूँ अभी ना, इनको रहने देते अपन लोग और थोड़ी देर बाद यार इन पे ध्यान दिया जाएगा। ओके सो गाइस हम लोगों का जो ची एबिलिटी होता है ना वो बहुत ही जल्दी 100% पहुंचने वाला है। अब आप लोग सोच रहे हो ये ची एबिलिटी क्या है, तो राइट साइड में देखो जहां पर डायमंड बता रहे हैं 29K, जस्ट उसके ऊपर ची का कॉइंस बता रहा है और उसके ऊपर बता रहा है न्यूबी ची 1, ठीक है? तो इसका मतलब क्या होता है गाइस, वो एक्चुअली QI लिखा है, लेकिन अपन लोग उसको ची पढ़ते हैं। और देखो मेरा हो भी गया 100%, तो इसको अपग्रेड करने से ना हमारा जो टोटल हेल्थ है वो बढ़ जाता है गाइस। जी हां आप लोग बिल्कुल, स्पेल डैमेज भी बढ़ जाता है, वेपन डैमेज भी बढ़ जाता है और भाई ओवरऑल एक बंदा अपग्रेड कर जाता है। एंड एज यू कैन सी वी हैव अपग्रेडेड आवर ची। और भाई अब हम लोग हो चुके हैं एकदम, मतलब समझ रहे हो, नेक्स्ट लेवल के पावरफुल बंदे बन चुके हैं भाई। मतलब हमसे जो टकराएगा राख हो जाएगा। और मैं सोच रहा था बहुत देर से कि भाई कोई पावरफुल विलन नहीं मिला है, तो अब टाइम है थोड़ा सा ना ऑटो फाइट स्टार्ट करके कॉइंस इकट्ठा करने का और उसके बाद हम लोग जाते हैं यहाँ पर बॉस को चैलेंज करने। ओके सो गाइस हमारे पास 45,000 डायमंड्स हो चुके हैं जो कि नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन नेक्स्ट लेवल पे आप लोग नहीं जा सकते जब तक आप बॉस डंजन में घुस के बॉस को ना हराओ। और यहाँ पर टाइम आ चुका है मिस्टर चॉप के साथ एंटर करने का डंजन के अंदर। एंड ये रहा हमारा बॉस। तो भाई ये हमारे ऊपर अटैक करता है। अबे नूबड़े हट जा सामने से भाई। और तो भाई ये तो मेरे ऊपर झपट्टा मार रहा है भाई, बताओ मेरे को। अरे ब्रो अपन दोनों को मिलके मारेंगे तो उसको हरा देंगे, डोंट वरी। अरे भाई 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 भाई, अरे पीछे पड़ गया तेरी ऐसी की तैसी बिल्ली के बच्चे। और तो भाई वो टाइगर है भाई, बिल्ली नहीं है भाई। अबे टाइगर बिल्ली दोनों एक ही फैमिली से है भाई। और ये देखो इसके पीछे पंख भी लगे। अरे भाई साहब तुम बहुत पावरफुल बॉस हो यार, तुमको तो यार अपने को दूर से मारना पड़ेगा। ये देखो भाई ऐसे चीप शॉट लो, मतलब यार मार रहा है भाई, मार रहा है मार रहा है मार रहा है भाई, बहुत मार रहा है। तुम्हारी ऐसी की तैसी, मेरा पावर खाओ तुम। गाइस मेरे को 2-3 नए पावर अप्स मिले, जो मैजिक है वो मिला है। लेकिन इन टोर्नाडो से बच के रहियो चॉप, ये हेल्थ खा जाते हैं भाई तेरी। बहुत ही ज्यादा जबरदस्त डैमेज मिलता है गाइस इनसे। अरे ये तो चॉपी के पीछे पड़ गया। अबे इधर आ जा भाई, उधर क्या मार कर रहा है? अरे भाई 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 एक काम करता हूं, मेरा हेल्थ ना गाइस बहुत ज्यादा है। आई वाज थिंकिंग क्यों ना हम लोग चॉप के लिए मार खाए यहां पे, एटलीस्ट चॉप जिंदा तो बचेगा। तो भाई आपको मेरे लिए बलिदान देने का जरूरत नहीं है भाई। अबे तुम मर जाएगा नूबड़े, मुंह बंद कर अपना। तेरे लिए मेरे को अपने आप को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ये लो भाई शेर भाई, आप मारो मुझे, मैं आपकी पिटाई सहूंगा। लेकिन गाइस मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस भाई, मेरे मरने के पहले ये टाइगर भाई पहले जाएगा। लाइक लिख के ले लो गाइस, मेरा हेल्थ बहुत ज्यादा है और मैंने अपना ची अपग्रेड किया था इसलिए हमारी हेल्थ और भी बढ़ गई है। लेकिन भाई इस टाइगर को ये नहीं पता है कि जिस बंदों से ये लड़ाई ले रहा है वो भाई नेक्स्ट लेवल पे है। ये एक्चुअली एक किमेरा लग रहा है गाइस मेरे को। लेकिन हटाओ यार अभी इसको, जल्दी से हराते, इसका हेल्थ इतना ज्यादा है। नॉन स्टॉप अटैक करने के बाद भी भाई ये बंदा एकदम इधर से उधर हिल तक नहीं रहा है।
है, लेकिन डोंट वरी गाइस, हम लोग कोई ना कोई तरीका निकाल के इसको हरा ही देंगे। ऑलराइट सो गाइस, आप लोग देख सकते हो बॉस का जो हेल्थ है वो सिर्फ और सिर्फ 10,000 पॉइंट्स बचा हुआ है, और यहाँ पर ये बंदा जाने वाला है इस दुनिया को अलविदा बोल के। बस हम लोगों को मेक श्योर करना है कि जल्दी से जल्दी जाए। भाई बहुत देर से खड़ा हूँ मैं इसके पास यार, चॉप तेरे लिए भाई, पूरा शील्ड बना खड़ा हूँ मैं यहाँ पे, यू बेटर हेल्प मी, समझ गया फोस्ट भाई? आपका तो आधा हेल्थ कहा गया भाई, आप फिर भी जिंदा हो यार, बहुत पावरफुल आदमी हो फोस्ट भाई। अरे दोस्त तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा ट्रेनिंग किया, एंड लुक एट दिस। सो भाई ये रहा बॉस चेस्ट, और गाइस हमारे पास 4 बॉस की थी और शैडो बॉम्ब मिल गया। भाई शैडो बॉम्ब मिल गया, आर यू किडिंग मी? भाई आपको पता है ये कितना पावरफुल एबिलिटी है गाइस, इसका डैमेज इनसेन है। रुको मैं आप लोगों को दिखाता हूं, एक सेकंड। यहां पर रहा हमारा स्पेल बुक, और ये देखो भाई शैडो मास्टरी, एंड लुक एट दिस शैडो बॉम्ब, 2.52k का डैमेज। भाई पिछला डैमेज 400 का था भाई, उसके सामने तो ये बच्चा लग रहा है। ओ माय गॉड गाइस, आई कांट बिलीव, लेकिन हम लोगों ने फाइनली अपग्रेड कर लिया अपना मैजिकल एबिलिटी। अब टाइम है इसको थोड़ा सा टेस्ट करने का, लेकिन उसके पहले मैं बॉस को 2-3 बार और हराना चाहता हूं गाइस, क्योंकि उससे ना हम लोगों को अच्छे अच्छे मैजिकल पॉइंट्स मिले। तो रुको मैं 2-3 बार और हरा के आप लोगों को दिखाता हूं। ओके सो गाइस, इस बार अपन लोग सोलो आए बॉस को मारने के लिए। चॉप अपना अलग मार रहा है, मैं अलग मार रहा हूं, और इससे हमें क्या होता है ना गाइस, बॉस का जो हेल्थ है ना वो भी आधा मिलता है, ठीक है? तो अपन अकेले इसको निपटा देंगे। और ये देखा शैडो बॉम्ब की पावर, देखा आप लोगों ने? भाई बहुत डैमेज करता है यार वो। ओके तो गाइस हम लोगों ने अकेले भी हरा दिया। वैसे मैं जानता था ये बॉस एक नंबर का नूब है, हमें नहीं हरा पाएगा, बट लेट्स सी क्या मिलता है। फ्लिप फायर, भाई ये पता है आप लोगों को बहुत पावरफुल एबिलिटी है। रुको मैं दिखाता हूँ, फायर मास्टरी में अगर आप जाओ देखो 4.2k डैमेज। भाई मतलब यार अब तो मैं पूरा पावर से भर चुका हूँ गाइज। रुको रुको अपन लोग ना इसको इन्फिनिट टावर पे टेस्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे को नेक्स्ट लेवल पे भी जाना है। तो गाइज 2 मिनट अपन लोग सारी पावर्स टेस्ट आउट करने वाले, ठीक है? बस 2 मिनट तुम। ऑलराइट गाइज, तो हम लोग यहाँ पे आए हुए इन्फिनिट टावर के अंदर। इसमें ना बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं, हर फ्लोर पे एक बॉस होता है, और अब हम लोग इसके ऊपर अपना फायर वाला पावर यूज करेंगे। एंड हियर वी गो, और बूम, देखो देखो भाई आप लोगों ने देखा वो जो लाइट का एकदम जोर से रे निकला था, वही था भाई फायर पायर। और ये देखो भाई क्या मतलब डैमेज दे दिया भाई, 40,000 हेल्थ था इस मेगा स्पाइडर का, लेकिन हमारे सामने ये पानी कम चाय बन के रह गया दोस्तों। एंड गाइस आप लोग देख सकते हो यही है हमारा 3rd लेवल भाई, ठीक है? यहाँ पर पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, बट somehow आई मेड इट। और आप लोग यकीन नहीं करोगे हम लोग यार इस गेम को भी मतलब 1.5 घंटे से खेल रहे हैं। अब तो ऐसा हो गया है हर रोब्लॉक्स गेम जो मैं खेलने जाता हूँ ना 1.5 घंटा लग ही जाता है मेरे को। तो गाइस आई होप यू सीरियसली एंजॉयड दिस वीडियो, बहुत मेहनत लगा यार। लाइक जरूर से कर देना चैनल पे यार, नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर इस वीडियो का पार्ट 2 देखने में इंटरेस्टेड हो, मेक श्योर टू कमेंट मी बिलो, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे फ्रॉस्टी।